सिंगरौली में सांसद रीति पाठक ने कहा कि नागरिकता कानून केंद्र का विषय है, सीएए मध्य प्रदेश सरकार को लागू करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो कहा है वह गलत है, क्योंकि यह देश हित में है। प्रदेश सरकार लोगों को बरगला रही है, इन लोगों से जनता को सतर्क रहना चाहिए। सीए और सीएबी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने सिंगरौली में तिरंगा यात्रा निकाली। सब्जी मंडी कलेक्ट्रेट के पास से 3 किलोमीटर लंबी रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा में सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक, जिले के तीनों विधायक राम लल्लू वैश्य, सुभाष वर्मा, अमर सिंह शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के रूप में हजारों लोग रैली में शामिल हुए। जब शहर में तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो लोगों का कहना था कि ऐसी यात्रा हमने पहली बार देखी है। सांसद रीति पाठक ने कहा कि यह केंद्र का है, सीए मध्य प्रदेश सरकार को लागू करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने जो कहा है वह गलत है। उन्हें कहा प्रदेश सरकार लोगों को बरगला रही है, इन लोगों से जनता को सतर्क रहना चाहिए। देश हित में लिया गया निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार को मानने के लिए तैयार नहीं है, इस अधिनियम को मानने के लिए तैयार नहीं है। कमलनाथ सरकार ने इस बात को सरेआम कहा है कि हम नागरिकता संशोधन अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, तो ये उनके अधिकार में नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूंगी, और नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता देने का अधिनियम है, ना कि नागरिकता छीनने के लिए। इसलिए ये जो विशाल जन समूह उमड़ा है ये आपके सवाल का उत्तर है। संत परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार और एक एक जन समूह, एक एक जनता जो यहाँ पर इस रैली में शामिल हुए हैं, ये इस सवाल का जवाब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन के लिए हम सब एकजुट हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सख्त रही। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि सीए देश के लिए अनिवार्य है, यह प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। सिंगरौली जिले में इस नागरिकता संशोधन अधिनियम को पूर्ण रूपेण समर्थन प्राप्त। आप यहाँ की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता के लिए मात्र आज जिस परिपेक्ष में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस नागरिकता संशोधन अधिनियम को भली भांति लोग जान रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।